गाइस चलो फाइनली यार अभी ना मैं आ चुका हूँ यार बाल कटवाने के लिए। गाइस यार मेरे बाल ना बहुत ज्यादा बड़े हो चुके हैं और यार मैंने ना बहुत टाइम से अपने बाल भी नहीं कटवाए थे। और यार शिनचैन का ना थोड़ा बहुत सामान भी लाना था और थोड़ा ग्रोसरी का सामान भी लाना था क्योंकि यार हमारे घर पे ना राशन पूरा का पूरा खत्म हो चुका है। अभी यार मैं आ तो चुका हूँ नाई की दुकान पे, लेकिन यार पता है ये वाले जो नाई है ना मैं इनसे पहली बार बाल कटवा रहा हूँ और यार जो मेरा पर्सनल नाई था ना वो अभी गाँव गया हुआ है तो मेरे को यहीं से अपने बाल कटाने पड़ेंगे। पता नहीं गाइस यार ये कैसे मेरे बाल काटेंगे। चलो अंदर चलते हैं बात करते हैं। अरे यहाँ पे बार्बर कौन है? अरे आइए सर जी मैं ही हूँ बार्बर। अच्छा आप ही हो क्या? आंटी जी मेरे को बाल कटवाने थे। अरे मैं आंटी थोड़ी ना हूँ, मैं तो अभी 20 साल की हूँ। 20 साल की? गाइस यार ये एज में तो भाई 40 साल की लगती है। अरे आपको एज क्या करनी, शादी थोड़ी ना करनी है, मेरे से आइए बाल कटवाइए। हाँ हाँ बाल तो कटवानी है, कितने पैसे हैं? अरे बैठिए ना, पैसे की बात बात में करेंगे, रुको मैं काट देती हूँ। अरे हाँ हाँ फटाफट काट दो, बढ़िया से बाल काट दो। ये लो सर जी ये देखो अभी कैसे लग रहे हैं आपके बाल। ओ गाइस ये तो मेरी भाई अच्छी वाली कटिंग कर दी इन्होंने, जैसे मैं रखता हूँ। हाँ चलो मैडम जी आपने बहुत अच्छी कटिंग करी है। हाँ वो तो मुझे पता है, आपके हो गए 150 रुपए। क्या 150 रुपए? अरे मैं तो वहाँ पे 30 रुपए में कटवाता था। गाइस यार देखा ना हो गया ना स्कैम, मैं जब ही पूछ रहा था कि कितने पैसे हो गए, अब लूट रही है ना ये मुझे। अरे सर जी मैं आप सबसे 150 ही लेती हूँ, चलो आप गरीब हो तो 120 दे देना। हाँ 120 नहीं, 30-40 रुपए में नहीं हो पाएगा क्या? अरे सर जी पागल हो क्या आप, 30-40 रुपए में कटिंग होती है, वो जमाने गए, बाबा आदम जमाने में होता था। हैं अरे यार गाइस कलेश हो गया ना। चलो ठीक है मैं आपको ना आपकी ना मेरी 100 रुपए करता हूँ। अच्छा ठीक है करो यार। हाँ अब आ गई ना लाइन पे, एक सेकेंड ये गया स्कैनर पे, ओके और ये गए 100 रुपए। ठीक है मैडम जी कर दिए 100 रुपए। अरे ठीक है सर जी दोबारा मत आना। है दोबारा मत आना? अरे हाँ मैं अभी ना बहुत महंगा है ये। गाइस यार बताओ मैं वहाँ पे ना 30 रुपए में बाल कटवाता था और यार यहाँ पे ना 120 रुपए लग गए मतलब के। अरे नहीं 120 कह रहा हूँ 100 रुपए, वैसे गाइस 30 तो नहीं 50 में तो कटवाता ही था मैं। चलो यार अभी घर चलते हैं। नहीं नहीं घर नहीं यार, अभी तो मेरे को ग्रोसरी का थोड़ा सामान लेना है, पेप्सी वेप्सी। और देख रहे हो यार उस बंदे ने कैसी कट मारा है गाड़ी पे, पता नहीं यार लॉस सैंटोस में ना लोगों को गाड़ी भी नहीं चलानी आती ढंग से। चलो अभी फटाफट चलते हैं थोड़ा बहुत सामान खरीद लेते हैं। अरे यार 5 साल पहले आया था उसके घर पे, इधर ही पहाड़ियों वाड़ियों में रहता था वो, पता नहीं कहाँ चला गया उसका घर, फ्रैंकलिन का घर यार कहाँ चला गया, उसका नंबर भी नहीं लग रहा, उसने लगता है नया नंबर ले लिया होगा। अरे यार यहाँ कहाँ पूछू यार, यहाँ पे तो मुझे कोई बंदा भी नहीं दिख रहा, पूरा का पूरा जंगल एरिया है, किससे पूछू किससे पूछू। अरे एक मिनट यहाँ पे तो एक बच्चा है, ओए बच्चे इधर आ। अरे यार ये बच्चा तो सुन नहीं पाएगा, लगता है मुझे ही बाहर जाना पड़ेगा। यार वो भाई फ्रैंकलिन का घर नहीं मिला ना तो मैं मिल नहीं पाऊंगा अपने दोस्त से, और मेरी थोड़ी देर में फ्लाइट भी है। बच्चे मेरी बात सुन, तू किसी फ्रैंकलिन को जानता है क्या, वो यहीं पे रहता है पहाड़ियों में। अरे क्या जैन सर जी जैन। अरे जैन ठीक है, फ्रैंकलिन को जानता है क्या तू? हाँ सर जी फ्रैंकलिन शिनचैन, शिनचैन को भी जानता हूँ मैं। अरे हाँ शिनचैन उसका छोटा भाई शिनचैन, उसका नाम भूल गया था मैं, कहाँ रहते हैं वो दोनों? अरे वो दोनों तो यहीं पे रहते हैं पास में, मेरे घर से तो 1 किलोमीटर दूर रहते हैं। अरे तू बेटा मुझे उसके घर ले चलना यार, मेरे को मेरा दोस्त है वो, मैं बहुत टाइम बाद आर्मी की छुट्टी थी मेरी आज, तो मैं लॉस सैंटोस में एक काम से आया था, इसलिए मैंने कहा सोचा कि मिलता हुआ चलूं। अरे हाँ सर जी ये तो आपने बहुत अच्छा सोचा, चलो मैं आपके उसको घर छोड़ के आता हूँ। अरे हाँ यार छोड़ दे बच्चे, तू तो बहुत अच्छा बच्चा है, तुझे पक्का रास्ता पता है ना? अरे हाँ सर जी चोप भी रहता है वहाँ पे। अरे चोप, अरे मैं उस चोप को कैसे भूल गया, वो तो भाई बहुत गंदा कुत्ता है। अरे हाँ सर जी बिल्कुल सही, चलो चलो मैं आपको लेके चलता हूँ। अरे जल्दी लेके चल बच्चे, कहाँ जाना है? अरे चलिए पहले पीछे घुमा लीजिए। अच्छा पीछे, अब कहाँ जाऊँ? अरे चलिए चलिए सीधा चलिए। अरे बच्चे कहाँ लेके जा रहा है, कब से तू आगे पीछे दाएं बाएं घुमाए जा रहा है, तुझे पता भी है? अरे बस बस सर जी बस थोड़ा सा राइट लीजिए राइट। अरे राइट ही तो लूंगा या लेफ्ट तो ले ही नहीं पाऊंगा ना बच्चे। अरे बस आ गया आ गया। अरे ये जगह तो जानी पहचानी लग रही है, अरे मेरे को याद आ गया ये तो रहा इसका घर। अरे यार ये देखो ये रहा इनका घर। अरे अभी तक इसने गाड़ी चेंज नहीं करी, अभी तक पुरानी गाड़ी चला रहा है। यार इस फ्रैंकलिन कितना कंजूस है, मैंने इसको बोला था नई गाड़ी ले ले। अरे सर जी यही है ना। अरे बच्चे तेरा शुक्रिया यार, यही तो है उसका घर। अरे कोई बुलाना किसी को बच्चे। अरे हाँ एक मिनट रुको ना मैं अपने दोस्त को बुलाता हूँ। अच्छा तेरा दोस्त है क्या शिनचैन? मेरा दोस्त है शिनचैन, जल्दी बाहर आ शिनचैन। ओ यार ये कौन आ गया यार घर पे सुबह सुबह? अबे भाई कौन आ गया बे, मेरे को लगता है बिजली वाले घर आ गए यार, क्योंकि हमने बिल नहीं भरा ना। ओ यार क्या बिल तो मैंने भर दिया था यार, आजा आजा फटाफट आजा। अबे आ चल चल बे। ओ यार ये कौन है? ओए लिटिल सिंगम क्या हाल है तेरे? अरे हाल वाल तो बढ़िया है, वो देख पीछे कौन आया है। ओ मांटी अंकल। अरे मांटी अंकल आपकी आर्मी से छुट्टी हो गई क्या, आपको निकाल दिया क्या? अरे पागल है क्या शिनचैन, तेरी मजाक करने की आदत अभी तक नहीं गई। यार नहीं यार मैं हुई इतना खास ना। अबे मांटी अंकल नमस्ते, क्या हाल है आपके? जय
जैन। अरे जैन जैन जैन, वो कहाँ है कलवा फ्रैंकलिन? ओ यार, वो तो अभी बाल कटवाने गया है। अच्छा, बाल कटवाने गया है वो। चल ठीक है, उसको कॉल करके बुला ले फटाफट, क्योंकि एक डेढ़ घंटे में मेरे को निकलना है यहाँ से, मेरी फ्लाइट है। ओ क्या, एक डेढ़ घंटे बाद फ्लाइट है आपकी, कहाँ जा रहे हो? अरे मेरी छुट्टी पड़ी हुई है अभी एक हफ्ते के लिए, तो मैंने सोचा यहाँ पे भी मिल लूंगा, और यहाँ पे मेरे को थोड़ा काम भी था मेरे मिलिट्री का, तो अब मेरे को दूसरे शहर में जाना है, इसलिए मैंने सोचा तेरे से मिल के ही चलूं बच्चे। ओ यार, ये तो बहुत अच्छा सोचा आपने। चलो अंकल जी, आप घर पे आओ ना। अच्छा घर पे, चल ठीक है, तू आ यार, चलता हूँ मैं। ओ यार लिटिल सिंघम, तू भी आ जा। अरे नहीं यार नहीं, मैं जा रहा हूँ, मेरे पापा मारेंगे। ओ यार चल ठीक है, फूट ले यहाँ से। चलो गाइस यार, अभी फटाफट आ जाओ अंकल जी। अरे आ रहा हूँ आ रहा हूँ। तू तो बहुत बड़ा हो गया शिनचैन, अकल भी आ गई लगता है तेरे में। ओ यार हाँ, मैं बहुत बड़ा हो गया हूँ, अब तो मैं ना बेड पे टॉयलेट भी नहीं करता। ओहो अच्छा, ऐसा है क्या, बेड पे टॉयलेट नहीं करता तू अब? यार नहीं यार, वो तो मैंने कब का छोड़ दिया। अब नहीं अंकल, ये झूठ बोल रहा है। अरे ये तो कह रहा है झूठ बोल रहा है। यार ये खुद पागल है, ये तो बल्कि इसको खुद नहीं पता कहाँ पे टॉयलेट करना होता है। अच्छा ऐसा है क्या, चल उस कलवे को कॉल करके बुला तो ले तू घर पे, उसको बता तो सही मैं आ गया। ओ हाँ यार, मैं फ्रैंकलिन भैया को कॉल करता हूँ। अब यार कलवे कर, उसको कॉल कर कलवे को। ओ यार रुक जा, कहाँ है फ्रैंक भैया का नंबर? ये रहा, उठा उठा फ्रैंक भैया। अरे क्या कर रहा है ये, फोन क्यों उठा रहा है? यार उठाएंगे। अबे हाँ शिनचैन बोल, क्या हुआ तेरे को? यार फ्रैंक भैया जल्दी घर पे आओ। क्या घर पे, क्या हुआ घर पे? यार मोंटी अंकल आए हैं। क्या मोंटी, वो आर्मी वाला? ओ हाँ यार, वो आर्मी वाले अंकल, जल्दी आओ। अबे आ रहा हूँ, चल एक काम कर, उसको चाय पानी पिला, नाश्ता खिला, मैं आ रहा हूँ। यार हाँ आ जाओ यार, मैं खिलाता हूँ। यार जल्दी आओ। अबे हाँ आ रहा हूँ, समोसे लेके आ रहा हूँ, रुक जा। अबे आ ले, अबे समोसे लिया। अरे हाँ समोसे लिया, बहुत टाइम हो गया। यार ले आओ ले आओ। अबे हाँ ला रहा हूँ, तू उसकी खातिरदारी कर, मैं समोसे लेके आ रहा हूँ घर पे, रुक जा रुक जा। गाइस यार आखिरकार मेरा दोस्त आ गया यार, मेरे भाई कितने दिन बाद आया ये घर पे यार। मैं तो गाइस यार इसकी भाई, पता है ये ना भाई मिलिट्री में रहता है गाइस, और पता है बहुत टाइम बाद आया है मेरे घर पे, कम से कम 5-6 साल बीत गए होंगे, आज ये मेरे घर पे आया है। और गाइस पता है यार, समोसे मिले नहीं, इसलिए मैं ना पिज्जा ही पैक करा के लिया है दो। अभी चलो यार, ये देखो गाइस आर्मी की गाड़ी है खड़ी ना यार, ये जब भी मेरे घर आता है ना तो कोई फालतू नहीं बोलता, क्योंकि यार आखिरकार मेरा दोस्त भी आर्मी में जो है। अभी चलो फटाफट से पिज्जा उठाते हैं और फटाफट अंदर चलते हैं। ओके गाइस, अभी मैंने पिज्जा तो उठा लिया है, अभी फटाफट अंदर चलते हैं। और गाइस यार आपको पता है मोंटी को ना पिज्जा बहुत ज्यादा अच्छे लगते हैं, और ये कह रहा था कि इसको जल्दी जल्दी निकालना है, ऐसे जाने थोड़ी ना दूंगा मैं। अभी तो यार हमें बहुत सारी बातें करनी है, वो भी गाइस यार बताएगा मिलिट्री विलिट्री के बारे में। अभी चलो फटाफट चलते हैं। यार मेरा दोस्त इतने दिनों बाद घर आया है। शिनचैन चुप, कहाँ पे हो? यार आ गए क्या फ्रैंकलिन भैया? अरे आ जा फ्रैंकलिन, क्या हाल है तेरे? अबे ओए मोंटी, मोटे आ गया तू? अरे इतने दिन बाद आया, वो क्या लाया है तू मेरे लिए? अबे पिज्जा लाया हूँ, पिज्जा ले, पिज्जा खा ले। ओ भाई मेरे, आजा आजा, लग गले तो मिल ले, मेरी बात सुन, पिज्जा लाया है, चल बहुत अच्छे। ओए शिनचैन, तूने कुछ दिया क्या इसको? ये है ये पानी दिया। अबे बेवकूफ, तुझे बोला था चाय या कोल्ड ड्रिंक पिला देता इसे। ओ यार नहीं, वो मना कर रहे हैं। अरे तू वो सब छोड़, अकेले अकेले थोड़ी ना पीऊंगा, तेरे साथ बैठ के पीऊंगा ना। अबे हाँ बात तो सही है। अभी गाइस यार हमें बहुत सारी बातें करनी है, और बता। ओए मेरे को ये बता, तू रुकेगा ना अभी 2-4 दिन? अरे नहीं भाई नहीं, मेरी 1 घंटे में फ्लाइट है, और अब तो आधा घंटा बचा है। क्या आधे घंटे में निकलेगा क्या तू? हाँ यार क्या करूँ मैं, अबे मेरे पास कम टाइम होता है ना, क्या करूँ मैं तो यहाँ पे थोड़ा काम के लिए आया था, मैंने सोचा तेरे से मिलता चलूँ। अबे ये तो तूने बहुत अच्छा किया। अभी गाइजर मोंटी आ गया है, अभी फटाफट हम बातें करते हैं मिलिट्री की। आप लोग भी गाइजर देखो अभी क्या क्या बातें होंगी। A few moments later. अरे मजा आ गया यार, फ्रैंकलिन पिज्जा तो बहुत टेस्टी था। पिज्जा तो बहुत टेस्टी था। अब कल सच्ची में, अरे चल फ्रैंकलिन मेरा टाइम भी हो गया। टाइम क्या हो गया? अरे बाप रे 12:30 हो गए, मुझे यार निकलना पड़ेगा। फ्रैंकलिन एयरपोर्ट कितनी दूर है? अबे एयरपोर्ट तो यहाँ से 10 मीटर की दूरी पे है। अबे 10 मीटर? अबे मतलब 10 मिनट लगेंगे तेरे को जाने में। अच्छा चल मैं निकलता हूँ यार, मैं लेट हो रहा हूँ। अबे जा रहा है क्या यार, तूने खाना भी नहीं खाया? अरे चल चल बाद में आऊंगा कभी, ठीक है ना, बाय बाय जैन। अच्छा ठीक है जा जा। गाइस यार ये देख लो कितना जल्दी में रहता है। अरे यार चलो यार मुझे फटाफट चलना है, अगर हमारी फ्लाइट निकल गई ना तो मेरे बॉस मुझे बहुत सुनाएंगे, कर्नल साहब तो बहुत ही ज्यादा सुनाएंगे। चल ठीक है फ्रैंकलिन। अच्छा ठीक है बाय बाय। अरे बाय बाय, चलो चलो यार फटाफट चलते हैं, मैं वैसे ही बहुत लेट हो गया, इससे बात करते करते टाइम का तो पता ही नहीं लगता। हाँ गाइस चलो फाइनली यार मोंटी भी चला गया। अबे यार शिनचैन वैसे यार मूड मेरा फ्रेश हो गया यार इससे बात करके, पता ना ये मेरा कितना पुराना दोस्त है। गाइस ये मेरे बचपन का दोस्त है, और अब ना ये मिलिट्री में चला गया है, और यार पता है ये ना पहाड़ों पे एक जॉब करता है ना इसकी, वो जो मिलिट्री है तो वहां पे इसका फोन वोन लगता नहीं है, इसलिए यार इससे कमी बात हो पाती है मेरी। अब कल पिज्जा तो बहुत टेस्टी था। अबे ये क्या,
अबे यार ये क्या, इसका तो बैग यहीं पे रह गया शिनचैन। यार फेंक भाई, बैग तो यहीं रह गया यार, और अब तक तो उनकी फ्लाइट भी निकल गई होगी। अबे फ्लाइट, वो लेट हो रहा था इतना, और गाइस यार उसका नंबर भी नहीं लिया मैंने नया वाला। अबे भाई साहब ये क्या कर दिया मैंने, अबे उसका बॉस उसे बहुत सुनाएगा। यार नहीं फेंक भाई, ये तो उनके बेकार से कागज थे इसमें, वो कह रहे थे। क्या बेकार से कागज? यार हाँ, वो चड्डी बनियान पड़ी है इसमें। क्या चड्डी बनियान? अबे यार गाइस जो भी है, लेकिन वो मोंटी का बैग तो यहीं पे रह गया। वैसे यार अब क्या करें शिनचैन चोप? अब कलवे क्या करेगा बे, मिलिट्री में जाते हैं ये। अबे हाँ मिलिट्री में जाते हैं, पहले गाइस इसको खोल के देखते हैं कि इसमें कोई जरूरत का सामान तो नहीं है। एक सेकेंड शिनचैन चोप, इसमें तो मुझे ये मैप मिला है। अब कलवे ये मैप किस चीज का है बे? अबे मुझे क्या पता, और ये मैप भी गाइस लॉस सैंटोस का है। ये फेंक बे, लॉस सैंटोस का मैप है ये तो। अबे हाँ मतलब लॉस सैंटोस से थोड़ा सा राइट में कोई आइलैंड है, वहाँ की लोकेशन है इस पे। अबे शिनचैन ऐसा क्या है ये भाई, लॉस सैंटोस कहीं इसी मैप को कुछ करने तो नहीं आया, कोई प्लान तो नहीं है मिलिट्री का? अब कलवे क्या पता बे। ये फेंक बे, चलो ना वहीं पे चल के देखते हैं। अबे हाँ चलियो, क्या पता गाइस यार हमसे झूठ बोल रहा हो, मोंटी वहीं पे गया हो। अभी गाइस फटाफट ना वहीं पे चलते हैं उस लोकेशन पे जो कि मैप में थी। अभी गाइस मैंने मैप को जेब में भी रख लिया है। अबे अंकल भाई चल चल बे। अबे हाँ जल्दी जल्दी आओ। चलो गाइस यार अभी फटाफट गाड़ी में बैठते हैं और फटाफट ना उस मैप की लोकेशन पे चलते हैं। देखे तो सही यार मिलिट्री हमारी कर क्या रही है, और शायद मोंटी भी वहीं पे हो। या है यार सही कह रहे हो, चले चलो। अबे बैठो बैठो फटाफट बैठो। ओके गाइस अभी फाइनली यार हम लोग ना उस मैप की दी गई लोकेशन पे पहुंचने वाले हैं। शिनचैन वो सामने आइलैंड दिख रहा है ना, हमें वहीं पे जाना है। अबे कल वे उस आइलैंड पे ऐसा क्या है भाई जो मैप का मिलिट्री है भाई, क्या सीन है? अबे मुझे क्या पता, मैं भी तो तेरे साथ फर्स्ट टाइम ही जा रहा हूँ। ये चलो फेंक बे, जल्दी चलो फिर। अबे रुक जा शिनचैन, अगर गाइस यार वहाँ पे कुछ मिलिट्री वाले होंगे ना तो वो हमसे सवाल जवाब पूछने लग जाएंगे कि गाइस यार ये मैप हमारे पास आया कैसे और हम यहाँ पे करने क्या आए हैं। ये बताओ वहाँ पे, चलो ना फेंक बे, इतना क्यों डरते हो, वहाँ पे कोई भी नहीं जाता, बंजार है वो। अबे बंजार नहीं होता वो, क्या बोलता है गाइस यार आप लोग कमेंट में बताओ, मुझे भी नहीं पता। अबे कलवे तूने पानी के अंदर ही गाड़ी लगा दी, अबे डूब गया मैं तो। ये फेंक बे, मैं भी डूब जाऊंगा। अबे कोई नहीं डूबेगा, फटाफट आओ, तुम्हें तैरना सिखाया था ना मैंने। अबे अकल में मुझे आता है तैरना। हाँ तो आता है तो फटाफट आ जा। चलो गाइस अभी फटाफट ना तैर तैर के फटाफट उस वाले आइलैंड पे चलते हैं। ओके गाइस अभी फाइनली यार हम लोग ना आ चुके हैं उस आइलैंड पे। अबे चोप तू तो बीच में डूब ही गया था बे। अबे अकल में पानी बहुत गहरा था बे। अबे हाँ हाँ पानी तो बहुत गहरा था, लेकिन गाइस एक सेकेंड इस वाले आइलैंड पे तो मुझे कोई भी नहीं दिख रहा। यह है फेंक बे, मुझे भी कोई नहीं दिख रहा है यार, उस झोपड़ी में तो कोई नहीं है। हाँ झोपड़ी में, एक सेकंड गाइस उस झोपड़ी में कौन ही होगा? गाइस ये तो बिल्कुल एक खटार सी झोपड़ी है, इस झोपड़ी में भी कोई रहता होगा क्या? चलो गाइस यार अभी एक बार फिर भी शिनचैन कह रहे ना जाके देख ही लेते हैं। अब्बा कलवे वो क्या है बे, अंदर कुछ हिल रहा है बे। हैं गाइस वैसे हिलता हुआ मुझे तो दिखा है, शिनचैन क्या है उसके अंदर? ये फेंक बे, वो तो जाके पता लगेगा। अबे एक मिनट रुकियो गाइस, इसके अंदर आखिरकार ऐसी क्या चीज है जो मिलिट्री हमारे से छुपा रही? ओए ये क्या है बे? अब कल वो ये क्या है बे, ये तो गोल्डन मुर्गी है बे। अब गोल्डन मुर्गी, गोल्डन मुर्गी। ये क्या करने आए? अरे खा जाऊंगी सबको खा जाऊंगी। अब कल वो ये तो यही आ रही है। ये फेंक बे, ये क्या है गोल्डन मुर्गी? अबे मुझे क्या पता गाइस, ये गोल्डन मुर्गी यहाँ क्या कर रही है? और ये तो बोल भी सकती है शिनचैन चोप। अब कलवे ये तो हमें खा जाएगी बे। अबे भाई मुर्गी हमें खाइए मत। ए तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो, कैसे आए तुम लोग यहाँ पे? अरे भाई नहीं नहीं, हमें ना यहाँ पे मिलिट्री में मेरे एक दोस्त है, उसने हमें एक मैप दिया था, उसको पीछा करते करते हम यहाँ पे आ गए। क्या बोले, झूठ तो नहीं बोल रहे? अरे नहीं नहीं झूठ नहीं बोल रहे। ओ गाइस और मतलब मिलिट्री के पास एक गोल्डन मुर्गी भी है जो कि यार हमें पता ही नहीं है। मैं कोई साधारण मुर्गी नहीं हूँ। है साधारण मुर्गी? अबे हाँ वो तो तुझे देखते ही लग रहा है यार, तू तो सोने का अंडा देती होगी ना, क्योंकि गाइस ये तो पूरी की पूरी गोल्ड की है ना। अब कलवे अबे ये तो सोने का अंडा देती होगी। अबे भाई ये मुर्गी है क्या, है ये ऑस्ट्रिच है क्या चीज? गाइस इसकी एक बार हाइट तो देखो, ये तो भाई मेरे से भी ज्यादा लंबी है, ये कोई साधारण मुर्गी तो लग नहीं रही शिनचैन मुझे। ये देख मैंने तेरे को शक्ति दी, अभी मेरे पास शक्तियां हैं, मैंने तेरे को शक्ति दी, फटाफट इसका यूज कर। क्या शक्ति? अरे कैफी शक्ति। तू जो बोलेगा देख सच होएगा। हैं जो बोलूंगा सच होएगा? अबे गाइस यार इस मुर्गी को लग रहा है ये आवाज निकाल सकती है, तो ये कुछ भी बोल सकती है। अजमा के तो देख। अब कलवे अजमाना फिर। अच्छा चल ठीक है अजमाता हूँ। गाइस मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे ना बहुत सारा गोल्ड आ जाए। अबे ये क्या है बे? अब कलवे गोल्ड कहाँ से आया बे? मेरी शक्तियों को नजरअंदाज कर रहा था, देख अब गोल्ड। अरे बाप रे
मतलब गाइस अब मैं जो बोलूंगा वो सच होएगा। हाँ बिल्कुल सही समझा तू बुड्डू। अबे बाप रे, मतलब गाइस ये मुर्गी तो सच्ची में कमाल किया यार। ये फेंक बे, ये मुर्गी ने तो कमाल कर दिया। अरे मुर्गी तेरा बहुत बहुत शुक्रिया, अब तो गाइस मैं जो बोलता हूँ वो सच हो जाता है। मुर्गी यार तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। है चल ठीक है, लेकिन आगे से यहाँ पे आना मत, किसी को बताना मत मैं यहाँ रहती हूँ, ठीक है ना? अरे हाँ हाँ, हम किसी को नहीं बताएंगे कि तुम यहाँ रहती हो, है ना शिनचैन चोप? अबे अकल वे सही कह रहा है बे। यह गाइस आप भी मत बताना। हाँ गाइस आप भी मत बताना, अभी तो गाइस हम बहुत ज्यादा अमीर हो गए, मुर्गी तुम्हारा शुक्रिया। ठीक है फुट यहाँ फुट फुट पर। अरे हाँ हाँ जा रहा हूँ। चलो गाइस अभी फटाफट घर चलते हैं, अब तो गाइस हम बहुत अमीर हो गए, अब हम जो चाहेंगे वो खरीदेंगे। शिनचैन चल दिया घर। यह फेक बे, चलो चलो यार। अब अकल वे अभी कहाँ जा रहे बे? अबे भाई साहब गाइस ये देखो, अभी ना मैंने अपनी शक्तियों की मदद से ना गाइस बहुत सारी चीजें मांग ली हैं, और यार वही सब चीजें ना मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। देख रहे हो गाइस, मैंने ना ये वाली मर्सिडीज मांगी है, और यार अभी और दिखाता हूँ, ये वाला मेंशन भी मैंने अपनी पावर से ही मांगा है। ओ ये फेंक बे, तो बहुत ही ज्यादा महंगी जगह पे मांग लिया तुमने। अबे हाँ शिनचैन, इस वाले मेंशन की कीमत पता है? इसकी कीमत सुनेगा ना तो तू हक्का बक्का रह जाएगा। अबे कल वे इसकी टी शर्ट भी दिखाना शिनचैन की। अबे हाँ हाँ अभी सब दिखाते हैं। गाइस यार देख रहे हो, मैंने यहाँ पे अपनी गाड़ियां कौन कौन सी मांगी है, और इनके कलर तो देखो कितनी ज्यादा यूनिक है। ये लैम्बोर्गिनी, और गाइस ये हमारी खड़ी है जी वैगन, ये मैक्लेरन, और फिर एक लैम्बोर्गिनी खड़ी है। मतलब गाइस यार, और ये देखो शिनचैन की गोल्डन टी शर्ट, और यार इस टी शर्ट का प्राइस भाई कम से कम 6 से 7 करोड़ रुपए होगा। सही कह रहे हो गाइस, मैं स्मार्टी पाई लग रहा हूँ ना। अबे शिनचैन तुम बहुत स्मार्ट लग रहा है। बाकी गाइस अभी ना फटाफट से आप लोगों को मैं पूरा का पूरा मेंशन अंदर से दिखाता हूँ। यहाँ पे ना हेलीकॉप्टर भी है, प्लेन भी है, अब हम ना अपने पर्सनल चार्टर्ड प्लेन में जाएंगे। बाकी गाइस अगर आपको आज वाला वीडियो अच्छा लगा हो ना तो फटाफट वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और गाइस यार अगर आपको ऐसी वीडियोस और चाहिए तो फटाफट कमेंट्स में जाके बताना। बाकी यार मैं शिनचैन चोप मिलेंगे आपसे ऐसी अगली ओपी वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय बाय बाय। ओ है गाइस यार, बाय बाय यार।